नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। आप लोगों को मैं दिखा दूं, आपको महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का जो है वो आयोजन किया गया है। इंद्रजीत सिंह बेदी हैं जो महामंत्री हैं भाजपा जिला करोलबाग से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रसाद जो है ना वो वितरण किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं तादाद जो है लोगों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर लोग जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो है कढ़ी चावल वगैरह का भी जो है यहाँ पर बंदोबस्त करा गया है प्रसाद के माध्यम से। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं आप लोगों को आगे से भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और कहीं ना कहीं जो है वो भोलेनाथ जी के जो प्रति जो लोगों की आस्थाएं बनी हुई हैं वो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने, जहाँ पर जो है कि दूध के अंदर में भांग की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर करी गई है। और मैं एक बारी जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को आगे से भी आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं जो रखी गई हैं, और लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा के अंदर जो है प्रसाद लेने के लिए जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं ये काफ़ी समय से लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित है, और कढ़ी चावल का जो है वो यहाँ पर प्रबंध है, लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है काफ़ी समय से जो है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर में काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आज एकत्रित हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का जो है वो विश्वास जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कढ़ी चावल का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर जो है भगवान की जो प्रसाद जो भांग जिसे बोला जाता है जो ये आप यहाँ पर बांट रहे हैं, और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं इस समय, और काफ़ी लोगों यहाँ पर बने हुए हैं। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है, और आज भगवान भोलेनाथ जी का जो दिन है, और यहाँ पर जो है वो भांग की जो है वो सेवा भी जो खास करके प्रचलित है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भांग की। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया राहुल नाम है मेरा। राहुल जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हैं, और हमारे साथ में काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं। और अब ये देख सकते हैं भांग का जो है वो पूरा ये पतीला जो है वो भरा हुआ है, और लोगों को जो है वो भांग वितरित करी जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो है वहाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, और काफ़ी भीड़ भाड़ जो है बना हुआ है, और काफ़ी विशाल भंडारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में भंडारे का जो आयोजन है वो कब से और कैसे किया जा रहा है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आज के बारे में बताइए, भंडारे के बारे में कुछ। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम इंद्रजीत बेदी है जी। बेदी जी, मैं करोलबाग जिले में महामंत्री हूँ जी। आज आपके द्वारा जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, और काफ़ी भाजपा के जो है कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ के महाशिवरात्रि के बारे में बताइए और कैसा लग रहा है आज का जो है लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है। देखिए, भारत एक त्योहारों का देश है जी, और भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो शिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती को समर्पित है जी। और हिंदुओं की आस्था का ये पर्व है, और सभी लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज मंदिरों के अंदर लगी हुई लंबी लंबी कतारें आप देख रहे होंगे, तो आज भगवान भोलेनाथ के भक्त सभी बड़े बड़े खुश हैं। इसी उपलक्ष्य के अंदर सभी मित्रों ने मिलकर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कचौड़ियाँ चल रही हैं, कढ़ी चावल चल रहे हैं, और ये ठंडाई का प्रसाद भी चल रहा है। तो सभी लोग आनंद ले रहे हैं। मेरी सभी को विनती है यहाँ पर पहुँचे और सभी लोग प्रसाद का आनंद लें। हमारे साथ में गुड़िया भी है, हम लोग गुड़िया से भी जानने की कोशिश। क्या नाम है बेटा आपका? नौशी। गुड़िया, क्या कहोगे आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में? अपने बराबर के जो बच्चे हैं आपके, उनको क्या कहना चाहोगे आप भक्तों को? मुझे नहीं पता खुद। सभी लोग मंदिर में जाए ना, पूजा करके आए आज? आज नहीं गई मैं, मुझे कहना था दादी से कि मुझे जाना है, लेकिन नहीं जा पाई, बिकॉज़ मुझे व्रत ही नहीं
अभी तो शाम तक जा सकते हो आप उसमें? शाम को जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं। ठीक है, बोलो शाम को जाएंगे हम। शाम को जाएंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं बता दूं, आप ये काफी समय से जो है वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ और भाई भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? यश। क्या क्या कहना चाहेंगे यश जी आज भंडारे का जो प्रोग्राम है और भक्तों को क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के? कुछ नहीं, भांग पीजिए, मजे लीजिए जी। सबसे पहले तो मंदिर जाइए जी जी, उसके बाद आगे हमारे भाई बताएंगे। विकास जी, विकास विकास जी बताइए, आप कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बस ऐसे ही रहने चाहिए। लोगों की जो सेवा करी जा रही है और भंडारे का आयोजन भी है बेदी भाई साहब जी की तरफ से, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भांग जितने हो सके अपने हिसाब से पिए और त्यौहार को त्यौहार की तरह बिल्कुल अच्छे सेफली मनाए अपना। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते भाई सब, नमस्ते। क्या कहेंगे आज शिवरात्रि का महा भगवान जी का प्रसाद है आज? माता जी आज तो आप भांग भी ले रहे हैं, थोड़े से तो प्रसाद लेंगे ही माता रानी का। देखिएगा ज्यादा चढ़ेगी तो नहीं ना? इतना लेंगे कि जो चढ़े नहीं। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं और उसके बाद में उर्दंग करते हैं? उर्दंग, ये है ही उर्दंग वाला माहौल। अच्छा, ये तो उर्दंग वाला माहौल है, जब बाबा पीते हैं तो सब पियो भाई। अच्छा, चलिए हमारे साथ में एक दीदी जुड़ी है। दीदी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते, शीतल। शीतल जी आप बताइए, आप कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कढ़ी चावल वगैरह चल रहा है, पकौड़ियाँ चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लूंगा। अब खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भक्तों? बस बढ़िया है, भगवान के लिए खा रहे हैं, बढ़िया है, सब प्रसाद है, सब खाएंगे, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? नेशन राठौर। अंकल जी क्या कहेंगे आज भक्तों को? भक्तों खुशखबरी खाएंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है सब कुछ है। जय मम भोले, जय मम भोले, जय मम भोले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आपका क्या नाम है? यश पाठक। यश, यशवर्धन जी आप बताओ क्या कहना चाहोगे आज भक्तों को? आज बहुत अच्छी शिवरात्रि, आज हम भंडारा करवा रहे हैं भांग का, आप सभी लोग आइए आज पिए भांग, बहुत अच्छा लगा आज। आज बाबा की बारात के अंदर में सभी लोगों का स्वागत है। यस, हाँ आप सब लोग आइए, बिल्कुल अच्छे से प्रसाद पाइए और धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा, यहाँ पर आज जो है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर में यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन भी है और काफ़ी तादाद के अंदर में लोग जो है, जो काफ़ी संख्या के अंदर में लोग जो है, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आज भंडारा जो है वो ले रहे हैं। बाबा बलजीत नगर, बाबा फरीदपुरी बलजीत नगर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक बार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी, यहाँ पर भाई लोग भी हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप भाई आज कैसा लग रहा है महाशिवरात्रि पर? भाई एक नंबर मजा आ गया कसम से, बांग एक नंबर, और हमें एमजे ग्रुप, दिल से एमजे ग्रुप, जय बाबा जी। और क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि भांग भी चल रही है, भांग पी रही है, मजा आ रहा है, वो देखो। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। और भी हमारे साथ में भाई जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? चुलबुली पांडे। चलिए आप लोगों को दिखा चुके हैं और दिखाते ही हैं पूरी पटेल नगर की जो है, पूरे पटेल नगर की जो है वो खबर है। और जो बाबा का त्यौहार जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा की जो शिवरात्रि का महापर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश दीक्षित। क्या कहना चाहेंगे आज भक्तों को आप? भाई महाशिवरात्रि है और इसके उपलक्ष्य में एक ही बात है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो ओम नाम का सुमरन करे तो दुख काहे को हो। बोलो नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप रावल है जी। प्रदीप रावल जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आनंद मंडल है। भाई देखो सुबह हम आ गए थे 8 बजे, करीब 8 बजे से लगे हुए हैं। पहले भांग का प्रोग्राम बनाया है, फिर कढ़ी चावल और पूरी का रखा हुआ है हमने। ये हर साल की बात है, हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं हर बार। अब तक कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पे पहुँच चुके होंगे? कम से कम अभी हमने 500 लीटर का ये अपना इसका रखा था, अपने भांग का और
500 ही किलो का हमने चावल का रखा हुआ और 200 लीटर की हमने वो रखी हुई है। अच्छा। अपनी कड़ी चावल। अच्छा। और वो पूरी तो बनती जा रही है, वो छोटी छोटी है। हाँ, यानी कि हमारा 5 बजे तक का प्रोग्राम है, हमारा 5 बजे तक हमारा कूद भंडार। हाँ अंकल जी, आज आप बहुत ज्यादा उसमें है, एक्साइटेड है, और भगवान भोलेनाथ जी के एक आध भजन और हो जाए। क्यों नहीं, अरे भोला भंग तिहारी और मैं तो घोट हारी, एक दिना की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग बोलो नमः शिवाय, जय हो। आप लोगों ने सुना भक्तों की बातें, और क्या है राय आपकी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी संख्या के अंदर में लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे कड़ी चावल वगैरह जो चल रहा है और प्रसाद जो है वितरित हो रहा है लोगों के बीच में। हम लोग बने हुए हैं और लगातार भक्तों के बीच में हम लोग बने हुए हैं, और आप लोगों को सीधा लाइव इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो दर्शन यहाँ पर हो जाए, और लोगों की बात और लोगों की भावनाएँ जो है वो आप तक पहुँच सके। आप लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, गला बैठ गया आपका? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अभी बोल नहीं पाएंगे, गला बैठ चुका है उनका। और यहाँ पर भंडारी लोग भी जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूड़ी वगैरह जो है वो निकल रही है, और काफ़ी मेहनत का कार्य जो है वो ये हो रहा है कि लोगों के बीच में इतनी जो है तादाद के अंदर लोग हैं, और लगातार यहाँ पर जो है वो काम करने में लगे हुए हैं लोग, और मैं इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश राठौर। उमेश राठौर जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको आज? भोले की भक्ति में मगन है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ हो जाए भगवान भोलेनाथ जी के लिए, बस बम बम बोले बोले। बहुत मजा आ चुका है। अब वो यहाँ भंडारी जी जी, एक बारी में जो पूरी वगैरह निकाल रहे हैं इन लोगों से, उन लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल जी। क्या लग रहा है आज पूरी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से लगे हुए पूरी निकालने में? पूरी नहीं, कचौड़ी है। सुबह 2-3 घंटे से कचौड़ी निकाल रहे, झूठी वाली। अच्छा, हाँ जी। अब तक कितने लोग कम से कम खा चुके होंगे? आप बता दो, कम से कम 1000 आदमी लोग खा चुके हैं। 1000 आदमी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है दिखता कहाँ है चैनल, हमने देखा नहीं चैनल कहाँ पर है। बिल्कुल दिखेगा आप लोगों को। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद में जो हैं वो लोग बने हुए हैं, और हम लोग आप लोगों को और भी आगे लेकर के चलते हैं। आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा, और क्या है राय आपके, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा की।